यस यस यस, मेरा दुर्गा पूजा छुट्टी चालू हो गया है। अब पूरा धमाल होगा, दुर्गा पंडाल घूमा जाएगा, मेला देखा जाएगा, पूरा झक्कास। इस साल की सच्चाई है, इस साल दुर्गा पूजा जैसा नहीं लग रहा है। ना चांदी मेला होगा, ना रोड लाइटों से सजेंगी, लेकिन मैं आपको इस साल ऐसे उदास तो नहीं होने दूंगा। दुर्गा पूजा राम जी एवं उनकी बहादुरता को समर्पित है, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में कुछ बुराइयां रह गई हैं। मैं आज आप सबको इसे एक छोटे राम जी की बहुत बड़ी बहादुरता की कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी है 5 अक्टूबर की सुबह की। तब सुबह सुबह कुछ चोर एटीएम में घुसे और वहाँ से पैसे लूट के भाग रहे थे। तब अनिल नाम का एक किसान वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को चिल्लाते हुए देखा चोर चोर, तो वो अपना जो फार्मिंग का इक्विपमेंट है उससे चोरों के ऊपर वार किया और उनसे तब तक लड़ता रहा जब तक पुलिस ना पहुंची। चोरों ने बंदूक के बॉडी से उसके सर पर ऐसा हमला किया, लेकिन वो रुका नहीं, वो लड़ता रहा जब तक पुलिस नहीं आई और उसी के चक्कर में उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। लेकिन वहीं पुलिस ने उस चोरों से 1,64,00,000 जब्त किया और उन चोरों को जेल में डाल दिया। युग के इस्लाम की ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपका दुर्गा पूजा कैसा जा रहा है इस साल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आओ पवित्र भाई, क्यों दिए वीडियो।